अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं कौतिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अधिक मास महात्म्य अध्याय 17 श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मीने विचारले, सर्व पापांचा क्षय ज्या व्रताने होईल असे कोणते व्रत अधिक मासात करावे ते कृपा करून तुम्ही मला सांगणार का? तेव्हा विष्णूने तिला महिनाभर मौनाने एकच वेळ जेवण करावे असेही व्रत सांगितले। जे उपवासाने फळ मिळते तेच मौनयुक्त जेवणाने पण मिळते। अधिक मासात जेवताना मौन पाळावे याचाच उपयोग नारदाला पूर्वजन्मी झाला होता। तो दासी पुत्र होता, त्याने अधिक मासात असे मौनव्रत आचरले होते, त्यामुळे त्याला साधूंची संगती लाभली आणि त्याला नंतर विप्रत्व प्राप्त झाले। तेथेही त्याने कुरुक्षेत्रात अधिक महिन्यात 3 दिवस उपोषण केले। त्यानंतर तो ब्रह्मदेवाचा मानस पुत्र झाला व सर्व ज्ञान संपन्न झाला। याविषयी एक इतिहास सांगतो। अवंती नगरीत वेदशर्मा नावाचा एक ब्राह्मण राहत असे। तो तपस्वी होता, तो वृद्ध झाला होता। अधिक मास जवळ आला तेव्हा त्याने उपवास व्रत करावयाचा बेत केला, पण तेवढे बळ त्याला नव्हते। तेव्हा रात्री त्याला देवाने स्वप्नात येऊन सांगितले की त्याने मौनव्रत करावे। त्याने तसे मौनव्रताचे आचरण केले, त्यामुळे साक्षात श्री कृष्ण पुरुषोत्तमाने त्याला दर्शन दिले व अनेक वरदाने त्याला दिली। त्या वेदशर्म्याने सर्व परोपकाराची कृत्ये केली, सर्व सुखे भोगली। शेवटी त्याला वैकुंठात नेण्यासाठी विमान आले। वाटेत इंद्राने त्याच्याजवळ 1 दिवसाच्या मौनाचे फल मागितले, ते त्याने दिले। पण तेवढ्यानेच इंद्राला बल प्राप्त झाले व तो वृत्रासुराला मारू शकला। वेदशर्मा वैकुंठास गेला। ही कथा विष्णूने लक्ष्मीला सांगितली असे वाल्मिकीने दृढ धन्वा राजाला कथन केले। हिंदू कालगणनेनुसार दर 2 वर्षांच्या अंतराने म्हणजे 3र्या वर्षी जो अधिक महिना येतो त्याला अधिक मास म्हणतात। याला पुरुषोत्तम मास किंवा धोंड्याचा महिना असे देखील म्हटले जाते। या काळात श्रीकृष्णाच्या नावाचा जप केला जातो। कुटुंब आणि नात्यांच्या बाबतीत हा महिना खूप महत्वाचा आहे। अधिक मासात जावयाचा कौतुक सोहळा असतो। या महिन्यात आपल्या लाडक्या जावयाला सासरच्या लोकांकडून वाण दिला जातो। सोन्या चांदीचा वाण देऊन जावयाला खुश केलं जातं। यासोबतच 33 अनारसे, चांदीचे निरांजन आदी गोष्टींचा समावेश असतो। मुलीला लक्ष्मी आणि जावयाला विष्णूचे रूप मानले जाते। आपला जावई आनंदी असेल तर आपली मुलगी अधिक सुखी राहील ही या मागची भावना आहे। आपली प्रिय नाती आणखी घट्ट करण्याचा हा सुंदर योग आहे। राजेश कडून सर्वांना अधिक मासाच्या शुभेच्छा। अधिक मासानिमित्त श्री राम रक्षा स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता राम चंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमत हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ध्याये दाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं
वामांकारूढ सीता मुख कमल मिलल लोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम दधत मुरु जटा मंडनम रामचंद्रम इति ध्यानम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतं जटा मुकुटमंडितं सासीतूण धनुर्बाण पाणिं नक्तं चरांतकं स्वलीलया जगत्रातुं आविर्भूतं अजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञ पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्र प्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दितः स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशकटि पातु सक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरुरघुतम पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जंघे दशमुखान्तकः पादो विभीषण श्रीद पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणश्चद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरौ न लिप्यते पापैर्भुक्ति मुक्तिञ्च विन्दति जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारये तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामश्रीमांसन प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिलौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायतान्नो रघुत्तमौ आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षयाय शुभ निशंग संगिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रतपथि सदैव गच्छताम् सन्नद्ध कवचि खड्गी चाप बाण धरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथि शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमौ वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीराम राम कर्कश राम राम श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्
नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पूरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने। इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रसम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। उद्या आपण पाहणार आहोत अध्याय 16 श्रीराम सहस्रनामावली आणि श्रीरामरक्षास्तोत्र। धन्यवाद, नमस्कार। आजचा दिवस खूप खास आहे। हा सोहळा आहे आपली प्रिय नाती आणखी घट्ट करण्याचा। बसा, हा क्षण आहे कौतुकाचा। हे तुला आणि हे तुमच्यासाठी। हवं तर हे कशाला हवं होतं? बघा तरी ताई, तुमचा एकुलता एक जावई आहे ना, मग एक काम करा, आमच्याकडचे राजेशचे डिझाईन घेऊन जा आणि मग बघा। पण नक्की आवडेल ना त्यांना? अरे वा, किती भारी आहे, मान आहे तो तुमचा। या अधिक मासात करूया कौतुक जावयाचं, जपूया सुख लेकीचं। राजेशचे क्वालिटी प्रॉडक्ट्स नजिकच्या सर्व ज्वेलरी स्टोर्स मध्ये उपलब्ध। उर्वरित श्री सहस्रनामावली ओम सामगेयाय नमः, ओम प्रियाय नमः, ओम अक्रूराय नमः, ओम पुण्यकीर्तये नमः, ओम सुलोचनाय नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम पुण्यधिकाय नमः, ओम पूर्वस्मै नमः, ओम पूर्णाय नमः, ओम पूरयित्रे नमः, ओम रवये नमः, ओम जटिलाय नमः, ओम अव्यक्तलक्षणाय नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम दशास्याद्वीपके सिरणे नमः, ओम कलानिधये नमः, ओम कलानाथाय नमः, ओम कमलानंदवर्धनाय नमः, ओम जयिने नमः, ओम जितारये नमः, ओम सर्वादये नमः, ओम शमनाय नमः, ओम भवभंजनाय नमः, ओम अलंकारिणे नमः, ओम अचलाय नमः, ओम रोचिष्णवे नमः, ओम विक्रमोत्तमाय नमः, ओम आशवे नमः, ओम शब्दपतये नमः, ओम शब्दगोचराय नमः, ओम रंजनाय नमः, ओम रघवे नमः, ओम निःशब्दाय नमः, ओम प्रणवाय नमः, ओम मालिने नमः, ओम स्थूलाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः,
ओम विलक्षणाय नमः, ओम आत्मयोनये नमः, ओम अयोनये नमः, ओम सप्तजिह्वाय नमः, ओम सहस्त्रपदे नमः, ओम सनातनतमाय नमः, ओम स्त्रग्विणे नमः, ओम पेशलाय नमः, ओम जवीनांबराय नमः, ओम शक्तिमते नमः, ओम शंखभृते नमः, ओम नाथाय नमः, ओम गदापद्मरथांगभृते नमः, ओम निरीहाय नमः, ओम निर्विकल्पाय नमः, ओम चिद्रूपाय नमः, ओम वितसाध्वसाय नमः, ओम शताननाय नमः, ओम सहस्त्राक्षाय नमः, ओम शतमूर्तये नमः, ओम घनप्रभाय नमः, ओम ऋतपुंडरीकशयनाय नमः, ओम कठिनाय नमः, ओम द्रवाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम ग्रहपतये नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम समर्थाय नमः, ओम अनर्थनाशनाय नमः, ओम अधर्मशत्रवे नमः, ओम रक्षघ्नाय नमः, ओम पुरुहूताय नमः, ओम पुरुष्टुताय नमः, ओम ब्रह्मगर्भाय नमः, ओम बृहद्गर्भाय नमः, ओम धर्मधेनवे नमः, ओम धनागमाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ज्योतिषमते नमः, ओम सुललाटाय नमः, ओम सुविक्रमाय नमः, ओम शिवपुजारताय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम भवानी प्रियकृते नमः, ओम वशिने नमः, ओम नराय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्यामाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम विश्वामित्राय नमः, ओम द्विजेश्वराय नमः, ओम मातामहाय नमः, ओम मातरिश्वेने नमः, ओम विरिंजाय नमः, ओम विष्टरश्रवसे नमः, ओम सर्वभूतानामक्षोभ्याय नमः, ओम चंडाय नमः, ओम सत्यपराक्रमाय नमः, ओम वालखिल्याय नमः, ओम महाकल्पाय नमः, ओम कल्पवृक्षाय नमः, ओम कलाधराय नमः, ओम निदाघाय नमः, ओम तपनाय नमः, ओम अमोघाय नमः, ओम श्लक्ष्णाय नमः, ओम परबालवृत्ते नमः, ओम कबंधमथनाय नमः, ओम दिव्याय नमः, ओम कंबुग्रीव शिवप्रियाय नमः, ओम शंखाय नमः, ओम अनिलाय नमः, ओम सुनिष्पनाय नमः, ओम सुलभाय नमः, ओम शिशिरात्मकाय नमः, ओम असंसृष्टाय नमः, ओम अतिथये नमः, ओम शूराय नमः, ओम प्रमथिने नमः, ओम पापनाशकृते नमः, ओम वसुश्रवशे नमः, ओम कव्यवाहाय नमः, ओम प्रतपाय नमः, ओम विश्वभोजनाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम नीलोत्पलश्यामाय नमः, ओम ज्ञानस्कंधाय नमः, ओम महाद्युतये नमः, ओम पवित्रपादाय नमः, ओम पापारये नमः, ओम मणिपुराय नमः, ओम नभोगतये नमः, ओम उत्तारणाय नमः, ओम दृष्टोतिघ्ने नमः, ओम दुर्धर्षाय नमः, ओम दुस्सहाय नमः, ओम अभयाय नमः, ओम अमृतेशाय नमः, ओम अमृतवपुषे नमः, ओम धर्मिणे नमः, ओम धर्माय नमः, ओम कृपाकराय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम विश्वस्वते नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम योगाचार्याय नमः, ओम दिव्यस्पतये नमः, ओम उदारकीर्तये नमः, ओम उद्योगिने नमः, ओम वांगमयाय नमः, ओम सदसन्मयाय नमः, ओम नक्षत्रमालिने नमः, ओम नाकेशाय नमः, ओम स्वाधिष्ठानाय नमः,
ओम षडाश्रयाय नमः, ओम चतुर्वर्ग फलाय नमः, ओम वर्णिने नमः, ओम शक्तित्रय फलाय नमः, ओम निधये नमः, ओम निधान गर्भाय नमः, ओम निर्व्याजाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम व्यालमर्दनाय नमः, ओम श्रीवल्लभाय नमः, ओम शिवारंभाय नमः, ओम शांतये नमः, ओम भद्राय नमः, ओम समंजनाय नमः, ओम भूषयाय नमः, ओम भूतिकृते नमः, ओम भूते नमः, ओम भूषणाय नमः, ओम भूतवाहनाय नमः, ओम कायाय नमः, ओम भक्तकायस्थाय नमः, ओम कालज्ञानिने नमः, ओम महावटवे नमः, ओम परार्थवृत्तये नमः, ओम अचलाय नमः, ओम विविक्ताय नमः, ओम श्रुतिसागराय नमः, ओम स्वभावभद्राय नमः, ओम मध्यस्थाय नमः, ओम संसारभयनाशनाय नमः, ओम वेद्याय नमः, ओम वैद्याय नमः, ओम वियद्वप्रे नमः, ओम सर्वामरमुनीश्वराय नमः, ओम सुरेन्द्राय नमः, ओम कर्णाय नमः, ओम कर्मणे नमः, ओम कर्मकृते नमः, ओम कर्मिणे नमः, ओम अदोक्षजाय नमः, ओम धेयाय नमः, ओम धुर्याय नमः, ओम धीरादिशाय नमः, ओम संकल्पाय नमः। उद्या पाहणार आहोत अध्याय 18 उर्वरित श्रीराम सहस्त्रनामावली आणि श्रीराम रक्षा स्तोत्र। धन्यवाद, नमस्कार। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं कौपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे।